हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने GoPro के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था, और ये है हमारा GoPro। और इसे हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, बट इसके लिए मुझे अलग से एक स्टैंड भी चाहिए ताकि इसे मैं प्रॉपरली यूज़ कर सकूँ ब्लॉगिंग के लिए। और इसलिए मैंने बाय किया है Ulanzi का MT09 मिनी एक्सटेंशन पोल ट्राइपॉड फॉर GoPro। और इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो है 1400 रुपये, और ये मैंने Amazon से बाय किया है। और इस स्टैंड को हम अपने GoPro के साथ यूज़ करने वाले हैं, सो जल्दी से मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। सो लेट्स डू इट। तो ये है इसका बॉक्स, आप देख सकते हैं, और इस पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है हमारा मिनी ट्राइपॉड जिसमें हम अपना GoPro यूज़ करेंगे, और GoPro को टाइट करने के लिए एक स्क्रू मिल जाता है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और इसके बॉटम में आपको रबड़ दिया गया है अच्छी ग्रिप के लिए। और इस ट्राइपॉड का मेन फीचर ये है कि इसे आप ऐसे स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आपको 3 लेग्स मिल जाती हैं, और इन लेग्स को यूज़ करके आप इसे ऐसे ट्राइपॉड प्लेस भी कर सकते हैं। और इसका एक और मेन फीचर ये है कि आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और अभी जो इसकी हाइट है वो 5 इंच है, और इसे आप 10 इंच तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली इसे ऊपर की तरफ पुश करना है। तो ये पहला लेवल है, अभी जो इसकी हाइट है 7 इंच तक हो गई है, और ये दूसरा लेवल है, तो अभी जो इसकी हाइट है 10 इंच हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपना जो स्टैंड है एक्सटेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी स्टेबल भी है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी हम अपना जो GoPro है वो इस पर माउंट कर लेते हैं। तो GoPro को माउंट करने के लिए सिंपली हमें GoPro को इस पर प्लेस करना है, इसके जो हुक है उसमें, और इसे स्क्रू से हम टाइट कर देंगे। और इस तरह से आप अपना जो GoPro है यूज़ कर पाएंगे इस ट्राइपॉड पे। तो आप इसे ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और GoPro को आप फ्रंट और बैक में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसे मैं जैसे ब्लॉगिंग करनी है तो फ्रंट में एडजस्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और इसे आप कम हाइट पे अगर यूज़ करना चाहते हैं तो सीधा इसे आप पुश कर देंगे नीचे को, तो ये जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसे आप ऐसे फिर मिनी ट्राइपॉड यूज़ कर पाएंगे। सो डैट्स अ गुड थिंग। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये Ulanzi की तरफ से, और इसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, इसे आप ऐसे ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इसे आप डिफरेंट टाइप के शॉट्स ले सकते हैं, अगर आपको टाइम लैप्स लेना है तो टाइम लैप्स भी इसे ले सकते हैं। इस ट्राइपॉड में बस एक कमी है कि इसमें आपको बॉल हेड नहीं मिलता, तो इसे आप अलग अलग डायरेक्शन में बॉल हेड के थ्रू एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसे आप बैक या फ्रंट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये इस ट्राइपॉड में एक कमी है। और इसके अलावा जो ट्राइपॉड है बिल्कुल ओके है, और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। इसे मैं रेटिंग दूंगा 4 out of 5। तो ये थी इस मिनी ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका जो बाय लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे और भी वीडियोज़ मैं इन फ्यूचर लेके आता रहूँगा। सो टिल देन सी यू एंड गुड बाय।